क्या हो रहा भाई? गर्म तो नहीं है, गर्म होगी तो बता देना, इसमें पानी वानी डलवा देंगे। ये देखो यहाँ पे भाई खुल रहे हैं, सिलेंसर खुल रहा है। सिलेंसर खुलने के बाद इसे चेक करेंगे। और तुझे क्या लगता है भाई कैसी आवाज आएगी? खतरनाक वाली, खतरनाक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम आदित्य चौधरी। गाइस आज बेसिकली आया हूँ मैं भाई कहाँ पर, आज आया हूँ पूरे ग्रीनरी एरिया में। देखो और वहाँ पे दिख रही है हमारी G900 और MT15 5। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, आज इन दोनों का साइलेंसर चेंज करने वाले हैं और एक ही साइलेंसर डालेंगे SC का प्रोजेक्टर, और चेक करेंगे किसका साउंड बेटर आ रहा है और एक एक करके मतलब चेंज करेंगे किसका साउंड बेटर आ रहा है किसका। वो तो मुझे पता है भाई G900 का अच्छा साउंड आएगा, लेकिन फिर भी भाई मैं चेक करूँगा। और अगर अच्छा आया भाई कमेंट डाउन करके बता देना, अगर अच्छा आया तो भाई मैं हमेशा के लिए ये साइलेंसर इस बाइक के अंदर फिक्स कर दूंगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा साइलेंसर लगा हुआ है मेरी बाइक के अंदर। गाइस देखो यहाँ पे लगा रखा है मैंने, अभी मतलब कंपनी जो फिटेड आता है वो साइलेंसर लगा रखा है। इसके बाद हम चेंज करेंगे, कौन सा चेंज करेंगे भाई? SC प्रोजेक्ट लगाएंगे, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। फुल सिस्टम जो ये स्टॉक एग्जॉस्ट आता है ना MT में, हाँ। ये सिंगल सिलेंडर की बाइक होती है, तो आज हम इसमें SC प्रोजेक्ट लगाएंगे फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। और चलो आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ, ये देखो स्टॉक है, स्टॉक की कुछ आवाज एक बार चेक कराते हैं हमें तो। हाँ, आवाज एक बार चेक कराते स्टॉक की, देखो कुछ इस तरीके से आवाज आती है। एक बार मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ, आवाज सुनो पहले। न्यूट्रल कर देते हैं, ये हो गए न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गए। पत्ते भी नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो सकते, ये ऐसा साउंड होता है। सही बात है। क्या कहते हैं इसका SC प्रोजेक्ट लगेगा ना, बहुत ज्यादा लाउड है और फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। चलो मैं गाइस ये खोल के फिर उसकी आवाज एक बार आप लोगों को चेक करवाता हूँ। चलो अपने साथ एक मैकेनिक को भी लाया, क्योंकि अगर मैं काम करता तो हाथ वाथ सारे गंदे हो जाते हैं। अभी मुझे पता है ना थोड़ा मार्केट में भी जाना, थोड़ा सा सामान लेना, तो उस वजह से मैं अपना प्रॉपर एक भाई लेके आया हूँ अपनी दुकान का। देख रहे हो काम स्टार्ट हो गया। गर्म तो नहीं है, गर्म होगी तो बता देना, इसमें पानी वानी डलवा देंगे। ये देखो यहाँ पे भाई खुल रहे हैं, सिलेंसर खुल रहा है। सिलेंसर खुलने के बाद इसे चेक करेंगे। और तुझे क्या लगता है भाई कैसी आवाज आएगी? खतरनाक वाली आवाज आएगी। अभी इसे खोल रहे हैं, इसे खोलने के बाद हम ये पाइप वाइप सारा साथ में लेके आए थे। देखो ये पाइप लेके आए हैं और इसके अंदर हमारा रखा हुआ है एग्जॉस्ट SC का। ये देखो SC प्रोजेक्टर, ये चेंज होगा और ये चेंज होने के बाद देखते हैं साउंड कैसी आती है। और एक बार हम भाई इसमें अभी लगा रखी है हमने ये मीफ का है, ये मीफ का साइलेंसर लगा रखा है। उसके बाद हम इसको भी चेक करेंगे भाई, मतलब इसमें साउंड कैसी आती है कैसी नहीं, एक बार उसमें चेक करेंगे MT में, और एक बार हम इसमें चेक करेंगे साउंड डिफरेंट आती है सिंगल सिलेंडर में कैसी आवाज आती है और फोर सिलेंडर में कैसी आवाज आती है। तो ये भाई ये खोल चुके हैं सिलेंसर, हमने खोल दिया है। अब हम इसके बाद लगाने वाले हैं SC का प्रोजेक्टर और उसके बाद देखते हैं साउंड कैसा आता है और कैसा नहीं आता, वो एक बार आप कमेंट करके बता देना भाई साउंड कैसा आ रहा है। और देन उसके बाद हम लगाएंगे हमारी G900 में यही सेम सिलेंसर और उसका साउंड देखेंगे फोर सिलेंडर और सिंगल सिलेंडर में क्या डिफरेंट है क्या नहीं, तो वो आप कमेंट करके बताना। बेसिकली मैं बता दूँ तो भाई सब कंपैरिजन का कोई मतलब सवाल ही नहीं होता, लेकिन हम फिर भी कंपैरिजन करेंगे, वो 900 और ये 150, मतलब समझ रहे हो, तो एक कमेंट करके आप बता देना। तो गाइस हमने भाई इसको लगा दिया है हमारा SC प्रोजेक्ट का साइलेंसर और इसके बाद हम सुनने वाले हैं साउंड। भाई ऑन करो भाई, चलो एक बार इसकी आवाज़ सुनाते हैं आप लोगों को। ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं लगे क्योंकि ये NTPC वाला ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ हमारे फौजी भाई रहते हैं, फौजी भाई भी डिस्टर्ब होंगे फिर। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना इसकी आवाज़ कैसी है,
वन सिलेंडर है ना, वन सिलेंडर बाइक है 155 cc, जब ऐसा साउंड आ रहा, अगर ये ही अगर 4 in line में अगर लगा दिया ना तो भाई मेरे आतंक कटेगा, आतंक कटेगा। अभी आतंक काट के भी दिखाएंगे, वो यहाँ नहीं, वो दूसरी साइड चलेंगे, क्योंकि यहाँ अगर करेंगे तो हमारे फौजी भाई डिस्टर्ब होंगे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। के बाद हम चेक करने वाले हैं भाई, मतलब कैसी साउंड लगी गाइस, इसको आपको कैसी साउंड लगी इसको भाई एक बार कमेंट डाउन करके बता देना, इसका साउंड कैसा था MT-15 का पहले और अब के मुकाबले में कैसा था। और अब करने वाले हैं भाई हम G900 में चेंज करने वाले हैं यही साइलेंसर को, और इसका साउंड चेक करने वाले हैं भाई साउंड कैसा है कैसा नहीं है। चलो चलो दूसरी लोकेशन पर, और ये पूरा मतलब सुनसान है, तो इस लोकेशन पर आ रहे हैं और यहाँ पर हम चेंज करेंगे G900 का ये भाई साइलेंसर और लगाएंगे गाइस। आज अब मैं सुनाने वाला हूँ इसका साउंड, देख लो एक बार, सुन लो क्या आवाज कर रही है, देख रहे हो भाई मतलब गाइस कैसी आवाज कर रही है, भड़ 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 मतलब जैसे हमने मच्छर मारने वाली मशीन होती है ना वैसी आवाज आ रही है। अब इसके बाद चलाने वाले हैं हम, इसमें लगाने वाले हैं G900 में, तो इसका साउंड कैसा होता है वो एक बार देख करते हैं, चेक करते हैं। अमित भाई इसकी तो अब मैं क्या बात बोलूं भाई, इसका तो भाई नेक्स्ट लेवल भाई, देख रहे हो इसमें लगा के देखते हैं ये क्या हो रहा भाई। अच्छा भाई मैं तो डर गया, मैं ये फ्यूल पंप में कैसे आवाज आने लगी भाई, डर गया मैं अपनी लोड़े लग गए भाई एग्जॉस्ट लगा के भाई। ओ भाई देख रहे हो भाई क्या तगड़ी साउंड आ रही है भाई इसकी। अगर ऐसे 500 किलोमीटर भी चला दिया क्लच प्लेट खत्म हो जाएंगे, जो इसकी जाली ना जाली भी फाड़ देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होती है ये। और ये जो कस्टम वाले होते हैं आफ्टर मार्केट वाले होते हैं गाइस, सुपर बाइक में कभी मत लगाना, कभी मत लगाना गाइस, कमेंट करके बताना इसके इसका साउंड कैसा है और MT का साउंड कैसा है। बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ भाई, जब आप लोग इतना पैसा खर्च करते हो 10 लाख 12 लाख 15 लाख, तो एग्जॉस्ट हमेशा जेन्युइन ही लगवाना सुपर बाइक में, क्योंकि क्लच प्लेट जाते ही ना 50,000 का नुकसान होगा, समझ गया ना, कोई फायदा नहीं। सही बात है बिल्कुल, सुपर बाइक चलाने का शौक है तो भाई अगर 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हो तो भाई 50-60-1 लाख रुपए तो वैसे भी मतलब एडजस्ट में आप खर्च कर सकते हो। और आपको साउंड कैसा लगा वो आप कमेंट करके बता देना, और मुझे ये वाला साउंड मतलब एडजस्ट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए और ये भी मुझे बता देना। और कैसे छोटी सी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।